नेफ्रॉन हमारे किडनी का मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एक किडनी में तकरीबन वन मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं जब ब्लड किडनी में इंटर होता है तो ये नेफ्रॉन के अंदर ही जाकर फिल्टर होता है इसका मतलब है कि किडनी का जो फंक्शन हम स्टडी करते हैं वो फंक्शन असल में किडनी में मौजूद नेफ्रॉन्स कर रहे होते हैं चलें अब पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है बोमेंस कैप्सूल से बोमेंस कैप्सूल की वाल पोरस होती है जो कि ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को कैप्चर करने में छलनी का काम अदा करती है इसके अलावा बोमेंस कैप्सूल में कैपिलरीज का एक जाल भी मौजूद होता है जिसे क्लोमेरुलस कहा जाता है क्लोमेरुलस में जिस ब्लड वेसल से ब्लड एंटर करता है उसे एफरेंट ऑर्ट्रियोल कहा जाता है और जिस वेसल से ब्लड लीव करता है उसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है बोमेज कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर रीनल कारपसल कहा जाता है रीनल कारपसल से नीचे नेफ्रॉन का ट्यूबुलर सिस्टम स्टार्ट होता है जिसे रीनल टीब्यूल्स कहा जाता है रीनल टीब्यूल को फिर चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पहला पार्ट बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होकर रीनल कॉर्टिक्स रीजन तक ख़त्म हो जाता है इस पार्ट को प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा जाता है रीनल कॉर्टिक्स किडनी का आउटर रीजन होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं और किडनी का जो अंदर वाला डीप रीजन होता है उसे रीनल मेड्यूला कहा जाता है किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टॉपिक पर वापस आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद रिनल टिब्यूल का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है यह पार्ट शेप ट्यूब की तरह होता है जो किडनी के मेड्यूलरी रीजन में प्रेजेंट होता है इस पार्ट को लूप ऑफ है कहा जाता है लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है इसे डिसेंडिंग लिम्प कहा जाता है और जो पार्ट ऊपर को आ रहा है इस पार्ट को असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है इसके बाद रीनल टिब्यूल का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है यह पार्ट फिर से कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होता है इस पार्ट को डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा जाता है और फिर फोर्थ और लास्ट पार्ट को कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है कुलटिंग डक्ट किडनी के कॉर्टिक्स रीजन से स्टार्ट होकर मेडूला और फिर कैलेक्स रीजन में जा गिरती है कुलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी नेफ्रॉन्स की कॉमन होती है चलें आप स्ट्रक्चर को समझने के बाद नेफ्रॉन के फंक्शन को समझते हैं जैसा कि हमें पता है कि नेफ्रॉन का, का काम ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट मटेरियल को यूरिन में कन्वर्ट करना होता है तो देख लेते हैं कि नेफ्रॉन ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं जब ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस में इंटर होता है तो ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है ऐसा इसलिए होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल साइज़ में पतली होती है जिसकी वजह से ब्लड इंटर होने के बाद उसी फ्लो में लीव नहीं कर पाता जिससे प्रेशर बढ़ जाता है इस प्रेशर के इंक्रीज़ होने का फ़ायदा यह होता है कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह भी कैपिलरीज से निकलकर कर बोमेंस के ल्यूमेन में चले जाते हैं इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है और इसके नतीजे में नेफ्रॉन में जो फ्लूड इकट्ठा होता है उसे फिल्ट्रेट कहा जाता है फिल्ट्रेट में वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ यूज़फुल मटेरियल भी शामिल हो जाते हैं जैसा कि वाटर ग्लूकोज़ साल्ट आइंस और एमाइनो एसिड्स वगैरह याद रहे कि फिल्ट्रेट में ब्लड से लार्ज मालिक्यूल्स और सेल वगैरह शामिल नहीं हो पाते सिर्फ छोटे मालिक्यूल्स को ही बोमेंस कैप्सूल की ल्यूमेन में जाने का रास्ता मिल पाता है अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में आगे ट्रेवल करता है वैसे वैसे इसमें से इसेंशियल सब्सटेंसेस को दोबारा से ब्लड में रीऑबज़ॉर्ब कर लिया जाता है जैसा कि ग्लूकोज हेमानो एसड वाटर और साल्ट वग़ैरह को प्रोक्सिमल कॉन्वर्ुट ट्यूबुल से ही रीऑबॉर्ब कर लिया जाता है यानी तकरीबन 65 परसेंट फिल्ट्रेट प्रोक्सिमल कॉन्वर्ुट ट्यूब्यूल से ही रीऑबज़ॉर्ब कर लिया जाता है इसके बाद कुछ वाटर लूप ऑफ हैंडले की डिसेंडिंग लेम से रीऑबज़ॉर्ब कर लिया जाता है और फिर साल्ट को असेंडिंग लेम्प से रीअबज़ॉर्ब कर लिया जाता है इसके बाद डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम और साथ में कुछ अमाउंट में वाटर को भी रीअबज़ॉर्ब कर लिया जाता है और इस तरह करते करते फिल्ट्रेट कंसनट्रेट होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है अगर बॉडी में पानी की कमी हो तो फिर हमारा पिच्यूटरी ग्लैंड ए डी एच हारमोन से करता है यह हारमोन कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स को सिग्नल देता है जिससे सेल्स में पोर्स बन जाते हैं और मज़ीद वाटर को ब्लड में शामिल कर लिया जाता है लेकिन अगर पानी की अमाउंट बॉडी में पूरी हो तो फिर फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डग से ट्रेवल करता हुआ किडनी के कैलिक्स रीजन और फिर कैलिक्स रीजन से पेल्विस रीजन में जा गिरता है फिल्ट्रेट को अब यूरिन कहा जाता है क्योंकि अब इससे मज़ीद रीऑबज़ॉर्बेशन नहीं होनी होती पेल्विस से यूरिन फिर यूरेटर में जाता है और यूरेटर से ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है ब्लैडर से फिर ज़रूरत महसूस होने पर इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़